हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है बदलता हुआ बनारस। मैं पवन कुमार, आज हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू का काम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहीं पे श्रद्धालु आके नहाते हैं। और वो जो दो आपको दिख रहे होंगे उस पीपा पुल के, उस पे पत्थर रखे गए हैं जो बाहर से ले आके वहाँ पर नाव के थ्रू ले आया जाता है, वहाँ रखा जाता है। और वहीं से फिर यहाँ आके देखिए, यहाँ नीचे काम हो चुका है घाट का, पत्थर लग रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए ललिता घाट और नेपाली मंदिर का पेंटिंग हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर, काफी इसमें कॉरिडोर की ओर। ये देखिए काम बहुत तेजी से चल रहा, तोड़ा जा रहा है यहाँ पे पत्थर लगाने के लिए। ये आप देख सकते हैं पत्थर रखे भी गए हैं यहाँ पे। देखिए लोग जा के देख भी रहे हैं, काम चल रहा है बहुत तेजी से। ये देख सकते हैं आप, ये है नेपाली टेम्पल। आप दशाश्वमेध से पैदल भी आ सकते हैं आराम से। ये देखिए सीधे एकदम जाइए नहा के और सीधे मंदिर की तरफ। ये देखिए काम बहुत तेजी से चलने शुरू हो गया, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोबारा विजय प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से काम तेजी से फिर से चालू हो चुका है। इधर देख सकते हैं दो JCBs खड़ी हैं। इधर देखिए लोग पानी और ये माला क्या क्या लोग बेचते हैं, तो वो बेच रहे हैं अपना। देखिए काम तेजी से, देखिए टक्के को द्वारा मिट्टी को ले आया जा रहा है, छड़ बिछाई गई हैं, बहुत काम तेजी से हो रहा है। देखिए JCB द्वारा खुदाई चल रही है। वो ठीक सामने आपको जो साइड में दिख रहा था वो मनकनका घाट है, ये हम सीढ़ियों से चढ़ने वाले हैं। देखिए वो दिख रहा है मनकनका घाट का, हम लोग चढ़ रहे हैं। ये रस्सी लगी हुई है, डाक गए। देखिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पानी का बॉटल बेचा जा रहा है, उधर JCB से काम चल रहा है। ये देख सकते पीछे का है कॉरिडोर का काम, बहुत तेजी से हो रहा है अब तो। और यहीं पे लक्ष्मण झूला भी बनना है, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू हो जाएगा जब ये पत्थर वत्थर लग जाएंगे, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि कहाँ से कितनी दूरी तक का लक्ष्मण झूला रहेगा और किस रास्ते आना होगा जल्दी ही। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, तब आपको दिखेगा अच्छा अच्छा चीज़ें। देखिए यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए गेट है, देख रहे हैं उस साइड में पूरा लुक दिखा रहे हैं काशी इतना कॉरिडोर का पीछे साइड पे। ये जो देख रहे हैं हम राइट साइड में, ये मूर्ति के बगल में वहीं से रैंप है, आप चढ़ सकते हैं वहीं से। देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं, काफी अच्छा पर्यटकों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है, इतना सुंदर बन गया कि कहने का नहीं। हम किनारे से दिखा रहे हैं, देखिए लोग कितनी भीड़ लगा रखे हैं, देख सकते हो वहाँ पे जो गार्ड खड़े हैं वहीं से आपको चढ़ना होगा सीढ़ी द्वारा। जैसे अगर कोई किसी का विकलांग है तो उनको गाड़ी इससे सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते, तो वहाँ से चढ़ सकते हैं, आप भी चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग सीढ़ियों से चढ़ गए हैं, देखिए यहाँ पे भी फ़ोटो खींचा जा रहा है, देखिए देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन हो चुका है, पहले विश्वनाथ जी आओ तो बस गली गली होते हुए आ सकते हैं, और गली के अंदर आते ही बस मंदिर में दर्शन करें और निकल लें। अब देखिए कितना बेहतरीन है, इधर देखिए काम चल रहा है अभी भी पत्थरों का लगना। ये देखिए कितना बेहतरीन पेंटिंग हुआ है छत दीवारों पे,
कृष्ण शंकर भगवान का बना हुआ पेंटिंग। कूड़ादान है, जैसे पान वान खाएं तो वहाँ थूक सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भारत माता का बनाया गया मूर्ति लगाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट बन गया है, यहाँ पे बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं दर्शन करने के बाद भी। देखिए ये आ गए लोग फोटो खिंचाने। देखिए सिद्धालु पीछे के साइड से आ रहे हैं एकदम पूरी मस्ती करते हुए। देख सकते हैं ये यहाँ पे भी ये माता जी की मूर्ति बनी हुई है और उनका नमन करते हुए। ये देखिए जो प्रोग्राम होता है पोस्टर बने रेडियो द्वारा, रेडियो सिटी के द्वारा लगाया गया ये बैनर, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बन चुका है ये। और जब लक्ष्मण झूला बन जाएगा गंगा जी पे तो और ही बेहतरीन हो जाएगा सिद्धालुओं के नज़र से। और